बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो उसके बाद जी, आज की जो रेमेडी है ये हम बनाएंगे फेस पैक, क्योंकि जो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और उसके बाद जी फेस पे ग्लो नहीं होती है, उसके लिए बेस्ट है, वो लाजमी इसको ट्राई करें। तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये क्यूकम्बर की जेल है, मैं ये ले रही हूँ। तो आपके पास जो दूसरी होती है एलोवेरा की, वो भी आप ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, इसका कोई इशू नहीं, आप ले सकते हैं। तो उसके बाद जी ये मैं ले रही हूँ इवियान के कैप्सूल। ये वैसे भी स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो आपको मिल जाए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी, एक मैं बाउल ले रही हूँ, एक मैं स्किन पॉलिश वाला ब्रश ले रही हूँ। क्यूकम्बर की आप जेल अगर आपके पास नहीं है तो एलोवेरा भी आप ले सकते हैं, और वो भी लें तो वो बेस्ट है। तो मेरे पास इस टाइम यही थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी है, पहले भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून आपने भर का इसका ले लेना है, 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी। तो उसके बाद जी ये देखें, ये इस आपने इस क्वांटिटी से लेना है, मीन के मैं 1 चम्मच ले रही हूँ, आपने इस तरह का लेना है कि आपके फेस पे जो पूरी हो जाए। आपने ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि वो वेस्ट हो जाती है, आपने थोड़ी लेनी है। और अगर ज़्यादा बनानी है, जैसे 2 बंदे होते हैं, आपने इसलिए इस तरह बनानी है, तो आप 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। और अगर 2 टेबल स्पून आप लेंगे इसके, तो जो कैप्सूल है वो भी आपको 2 ही लेने होंगे। तो ये मैं एवियन का कैप्सूल एक ले रही हूँ, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके अलावा आपने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट यही 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है, और कोई भी इन दोनों चीज़ों के तो बिल्कुल ही साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छी हैं स्किन के लिए, स्किन को फ्रेश करती हैं और फेस पे ग्लो आ जाती है। तो ये बहुत अच्छी है मीडिया, आप इसको यूज़ करें। और नेक्स्ट जो है, जब हम फेशियल वगैरह करते हैं उसके बाद स्किन पे रेडनेस हो जाती है और उसके बाद जैसे जलन फील होने लग जाती है, उसके लिए तो ये बेस्ट है। आप और कोई मास्क ना लगाएं, आप ये ट्राई करें, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपनी सिस्टर को दुआएं देंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा आपके फेस को मतलब के ठंडक देगा। तो ये बहुत ही अच्छा आपको लगेगा जब आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, मिक्स करके आपने इसको 10 से 15 मिनट अप्लाई करना है। तो 10 से 15 मिनट जब आप इसको अप्लाई करेंगे, आपके फेस पे जो रेडनेस हो रही होगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। तो ये बहुत अच्छी, आपने क्या करना है, स्किन पॉलिश वाला ब्रश ले लेना है, उससे आपने इसको अच्छी तरह अपने फेस पे अप्लाई करना है। मैं आपको दिखाती हूँ आपने किस मतलब के अप्लाई किस तरह करना है। इस तरह आपने मतलब के इस तरह की आपने लेयर लेनी है कि वो ज़्यादा हो थोड़ा। तो उसके बाद ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह आपने इसको अप्लाई करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जज़ाकअल्लाह।